क्या आपको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैलने की वजह 5G टेक्नोलॉजी है? क्या आपको अभी भी ये कंफ्यूजन है कि कोरोना वायरस का 5G टेक्नोलॉजी के साथ कोई रिलेशन है? तो आपको आज इस वीडियो में इस बात पर वंस एंड फॉर ऑल कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्यों इट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर कोरोना वायरस टू बी रिलेटेड टू 5G. साल 2020 में वुहान चाइना में कोरोना वायरस का फर्स्ट रिपोर्टेड केस देखा गया। उसके आने के बाद से आज तक साइंटिस्ट दिन रात कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर, उसके फैलने के तरीके, उसके म्यूटेशंस, सेकंड वेव्स, इन सारी चीजों को समझने में लगे हुए हैं। जहां साइंटिस्ट इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही साथ साथ कोरोना वायरस को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती जा रही है। एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मिथ जो वर्ल्ड में इस वक्त बहुत ज्यादा फैला हुआ है वो ये कि 5G की वजह से कोरोना वायरस वर्ल्ड में आया है। 5G इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। ये मिथ इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए बन रहा है क्योंकि सबसे पहली बात तो यहाँ कोइंसिडेंट बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। 5G 2018 में US में रोल आउट हुआ एंड कोइंसिडेंटली उसके तुरंत बाद 2019 के एंड में हमें कोरोना वायरस के बारे में पता चलना शुरू हुआ एंड इसी वजह से काफी लोग कोरोना वायरस और 5G को लिंक कर रहे हैं। लेकिन जो चीज कोरोना वायरस और 5G के लिंक को वायरल करने लगी वो ये कि लॉकडाउन के माहौल में हम जिस इंटरनेट पे डिपेंड कर रहे थे टू स्टे कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, कॉन्स्पिरेसी फैलाने वालों ने उसी इंटरनेट को यूज किया इस मिथ को फैलाने के लिए। यूनाइटेड किंगडम में जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को यह डिसीज हुआ एंड 50,000 केसेस ऑफ कोविड ऑलमोस्ट रातों रात रजिस्टर हो गए, 5,000 डेथ्स विद इन अ स्पैन ऑफ डेज एंड वीक्स रजिस्टर होने लगे, तो ऑटोमेटिकली लोगों में एक डर तो पैदा हो ही गया था। एंड कोइंसिडेंटली उसी पीरियड में बहुत सारे 5G फोन के सेल टावर लिवरपूल, बर्मिंगहम एंड बेलफास्ट में लगाए जा रहे थे। इन टावर्स में अचानक से आग लगा दी गई एंड इनकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया गया। ऑटोमेटिकली ये वीडियो काफी वायरल भी हुई एंड पुलिस अभी तक इन आग के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुछ सेलिब्रिटीज ने भी 5G एंड कोविड की कॉन्स्पिरेसी को बहुत फैलाया। उनकी क्रेडिबिलिटी की वजह से भी उनके फैन सर्कल में बहुत ज्यादा पैनिक हो गया कि शायद ये ट्रू हो सकता है। जैसे US की सिंगर कैरी हिल्सन, उनके 4.2 मिलियन फॉलोअर्स है, उन्होंने एक पोस्ट डाला कि चाइना का 5G सिस्टम नवंबर 2019 से रोल आउट होना स्टार्ट हुआ एंड उसके बाद से ही सारा डेथ होना शुरू हुआ, तो शायद इसके पीछे कोई वायरस है ही नहीं। हालांकि उन्होंने विद इन 2 डेज अपना ये पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक एक मेजर डैमेज हो चुका था क्योंकि ऑलरेडी डरे हुए लोगों को इस तरह के पोस्ट से और ज्यादा डर लग चुका था। हॉलीवुड के फेमस एक्टर वुडी हैरिसन ने भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अपने इंस्टाग्राम के पेज पर डाली थी, जिस वजह से इंस्टाग्राम ने भी उनके पोस्ट को बैन किया। एक पॉइंट पे जाकर के उन्होंने खुद भी अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया था, बट द डैमेज वॉज डन। ऑल्सो 5G की टेक्नोलॉजी में एक चाइनीज लिंक रह ही जाता है क्योंकि 5G की टेक्नोलॉजी के बहुत बड़े इन्वेस्टर में से एक थे हुआवी। ये चाइना की एक मेजर कंपनी है एंड कोरोना वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ है, जिस वजह से कॉन्स्पिरेसी फैलाने वाले लोगों को एक सॉलिड एंगल मिल जाता है लोगों को और जोर देकर इस मिथ पे भरोसा करवाने का। उसके बाद सबसे मेन चीज ये थी कि उस वक्त के US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ऐसी कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पीछे नहीं छोड़ा जिससे लोगों में डर बने। कोरोना वायरस के टाइम पे उनका हर स्पीच ऐसे जानबूझ के डिजाइन किया गया था जिससे लोगों में सेपरेशन बने। इनफैक्ट क्या आपको पता है कि कॉर्नल यूनिवर्सिटी इन इथिका न्यूयॉर्क की सारा इवानेगा ने जब एक डेटा एनालिसिस कंडक्ट किया जिसमें COVID-19 पर 38 मिलियन इंग्लिश आर्टिकल को स्टडी किया गया, तो उसमें लीडिंग सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन वॉज नन अदर देन मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ। मतलब ट्रंप वर्ल्ड में कोरोना वायरस के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सबसे बड़ा सोर्स है और ये डेटा एनालिसिस से भी प्रूव किया गया है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अंडर में एक स्टडी कंडक्ट किया गया बाय 2 नोटेड साइंटिस्ट, एलन सीओसी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एट द स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, एंड उनकी पार्टनर नीना सिसारे, अ पोस्ट डॉक्टरल एसोसिएट इन द बायोस्टेटिस्टिक एंड एपिडेमियोलॉजी डेटा एनालिटिक्स सेंटर। उन्होंने इस स्टडी में यह फाइंड करने की कोशिश की कि COVID-19 को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली स्टार्ट कैसे होता है, स्प्रेड कैसे होता है एंड फाइनली वायरल कैसे हो जाता है। इस चीज को स्टडी करने के लिए उन्होंने 8 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से गूगल ट्रेंड एप्लीकेशन का डेटा कलेक्ट किया। इस चीज पर भी उन्होंने गूगल ट्रेंड्स में वही टॉपिक चेक किए जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मिथ बस्टिंग की वेबसाइट में
कोविड के बारे में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मिथ्स था। इस स्टडी की फाइंडिंग्स को जर्नल ऑफ मेडिकल इंटरनेट रिसर्च पे पब्लिश किया गया। इसमें स्टडी में ग्रोथ मॉडल्स प्रिपेयर किए गए और सारे 8 कंट्रीज में ये चेक किया गया कि कितने टाइम में उन कंट्रीज में कोई भी डाटा शुरू हो रहा है, फिर फैलना स्टार्ट हो रहा है और फिर अल्टीमेटली वायरल हो रहा है। और इन सब के एंड में जो रिजल्ट निकला वो ये था कि 3 ऐसे मेजर टर्म्स थे जो कोरोना वायरस को लेके सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग थे इन 8 कंट्री में। एंड उनमें से सबसे पहला था कोरोना वायरस एंड 5G, जो 6 कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सर्च होना स्टार्ट हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल हो गया था। सबसे ज्यादा ये नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका में वायरल हुआ था। इसके अलावा 2 और टर्म सबसे ज्यादा सर्च किए गए थे, जो थे कोरोना वायरस एंड जिंजर एंड कोरोना वायरस एंड सन। इस स्टडी के एंड में जो इस टीम ने कंक्लूजन डाला वो ये था कि उनके हिसाब से कोरोना एंड 5G के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन सारे वर्ल्ड में इसलिए फैल रहा है क्योंकि पब्लिक में 5G टेक्नोलॉजी को लेकर अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अगर 5G टेक्नोलॉजी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन को ज्यादा वायरल किया जाए तो ऑटोमेटिकली मिस इन्फॉर्मेशन की वायरलिटी घटने लगेगी और अल्टीमेटली एक पॉइंट पे जाकर के स्टेबल हो जाएगी और ये आगे स्प्रेड नहीं होगी। उन्होंने एक बड़ा ही चौंकाने वाला ट्रेंड देखा। उन्होंने देखा कि जैसे ही WHO के हेल्थ ऑफिसर्स ने किसी मिथ को नोटिस किया एंड उन्होंने इस टॉपिक का डीबंक अपने हेल्थ मिथ बस्टिंग के वेबसाइट पे किया, या सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल जैसे हाईली क्रेडिबल वेबसाइट ने अपने वेबसाइट पे किसी मिथ के अगेंस्ट करेक्ट इन्फॉर्मेशन डाली, वैसे ही जो मिथ के गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाने का पैटर्न था वो वही पे ब्रेक हो गया। और जैसे जैसे सही इन्फॉर्मेशन वायरल होने लगी वैसे ही मिस इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली रिड्यूस होने लगा। नीना सिसारे ने पर्टिकुलरली ये बात भी बताई है कि लोगों को 5G एंड कोरोना वायरस में लिंक इसलिए भी लगता है क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी से डर लगता है। लेकिन अजीब बात यह है कि उनको टेक्नोलॉजी से डर इसलिए लगता है क्योंकि उनको गवर्नमेंट पे कोई भरोसा नहीं है। गवर्नमेंट के बारे में जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इंटरनेट पे वायरल होती है, जैसे कि गवर्नमेंट अजीब अजीब चीजों से हम पे सर्वेलेंस करती है, ऐसे टाइप की थ्योरीज की वजह से भी लोगों को लगता है कि शायद नई टेक्नोलॉजी का यूज करके गवर्नमेंट कुछ ऐसे करने की कोशिश कर रही है। इसका एक एग्जांपल उन्होंने ये दिया कि जून 2020 में USA टुडे की एक आर्टिकल ने फेसबुक पे वायरल होती एक पोस्ट को कवर किया था। इस पोस्ट में एक बहुत बड़ा मिथ वायरल किया जा रहा था कि बिल गेट्स कोरोना वायरस की वैक्सीन में माइक्रोचिप डाल के लोगों में सर्वेलेंस कर रहे हैं। इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, इसलिए जब टेक्नोलॉजी रिलेटेड 5G थ्योरीज भी लोगों ने सुना तो उन्हें इस पे भी विश्वास होने लगा। ऐसी वीडियोस जो 5G को कोरोना वायरस के साथ लिंक कर रहे हैं, या ऐसे हार्मफुल वीडियो जहां कोरोना वायरस के मिथ के नाम पे प्रॉपर्टी डैमेज किया जा रहा है, या कोई बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव या वायलेंट हो रहा है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब एंड फेसबुक ने भी ऐसी वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना शुरू किया। साथ ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल ने सही इन्फॉर्मेशन वाले कॉन्टेंट को पब्लिश करना शुरू किया टू एक्सप्लेन टू द पीपल की वाई 5G इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोना वायरस एंड वाई पीपल शुड नॉट पैनिक ओवर दिस मिथ। आपको WHO का मिथ बस्टर वेबसाइट डेफिनेटली चेक करना चाहिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप भी वहां जाकर कोरोना वायरस के बारे में और भी ज्यादा सॉलिड इन्फॉर्मेशन ले सके और कोरोना से रिलेटेड और क्या मिथ है और क्या रियलिटी है वहां से आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। क्योंकि ऐसी स्टडीज का और ऐसी सॉलिड वेबसाइट का ये मानना है कि जितना ज्यादा हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे उतना ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन को रोक सकेंगे। इसलिए इसी वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में लेट्स डू अ क्विक चेक ऑफ द करेक्ट इन्फॉर्मेशन की व्हाट इज 5G, क्यों 5G बेनिफिशियल है और क्यों 5G से कोरोना वायरस होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्या आपके आसपास भी आपने ऐसे अजीब मिथ सुने हैं अबाउट कोरोना वायरस एंड 5G? प्लीज लेट मी नो अबाउट योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस मिथ इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई होप आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इस टॉपिक की करेक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में अवेयर करिए, सो दैट टुगेदर वी कैन बीट द मिथ अबाउट कोरोना वंस एंड फॉर ऑल। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।